दहेज के लिए पति ने ही अपनी 7 माह की गर्भवती पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। मामला पीरपैंती थाना क्षेत्र के पीरपैंती बाजार पश्चिम टोला का है, जहां पति औरंगजेब ने अपनी 22 वर्षीय पत्नी कुलसुम की चाकू से गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद खून से लथपथ वो घर में ही बैठा रहा। मृतिका की मां बीबी रसीदा खातून ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व भी बेटी ने गाँव के ही मोहम्मद औरंगजेब से प्रेम विवाह किया था। शादी के कुछ दिन बाद से ही वो दहेज की मांग करने लगा। नहीं देने पर बेटी के साथ मारपीट करता था। मारपीट से तंग आकर बेटी मायके में ही रहने लगी, जहां दामाद औरंगजेब भी ज्यादातर साथ रहने लगा। साथ ही पुलिस को बताया कि घटना की रात वे सभी खाना खाकर छत पर सोने चले गए। रात्रि 11 बजे के आसपास शोर सुनकर नीचे आया तो देखा एक झोपड़ी में दामाद बेटी का चाकू से गला रेत रहा था। जबरदस्ती उसे हटाया, उसके बाद बेटी को अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर पीरपैंती थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी दल बल के साथ मौके पर पहुंच भागने की फिराक में आरोपी मोहम्मद औरंगजेब को धर दबोचा। साथ ही उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू छप्पर से व खून से सना उसका शर्ट भी बरामद किया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं घटना से आहत परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मारपीट हो गया तो किसी को जान ले देगा? वो क्या बिगाड़ी थी उसको गला रेत दिया? ऐसे गोसा ना सुनने हो। कहाँ से चाकू लाया था? नहीं, बाइकल था। हाँ, बाइकल था। उसी के घर से चाकू लिया था? हाँ। कहाँ रखा था चाकू? चाकू घरे में था। घुसकार वाले कितना बजे थे उसको हत्या किया? टाइम नहीं देखे। हाँ, टाइम नहीं देखे थे भाई, लगभग 10-11 का बीच में। प्रेगनेंट भी थी वो? हाँ। हाँ, कितने माह की? भागलपुर जिले के सजौर थाना क्षेत्र के कमलपुर में अहले सुबह अवैध बालू खनन व परिवहन के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची बांका व भागलपुर के खनन पदाधिकारी की टीम पर बालू माफियाओं ने ईंट पत्थर लाठी डंडा हरवे हथियार से हमला कर 5 वाहनों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर जब्त ट्रैक्टर के सहारे 30 फीट गहरी अंधेरी नदी के खाई में पलट दिया। रात के अंधेरे में हुई झड़प में अमरपुर थाना क्षेत्र के कुसुमखर वासुदेवपुर व सजौर के हाजीपुर कमलपुर के बालू माफियाओं का हाथ बताया जा रहा है। ग्रामीण छापेमारी टीम पर हमला करने के समय गोली चलने की आवाज आने की बात कह रहे हैं। बालू माफियाओं के हमले में टीम के कई जवान व अधिकारियों के घायल होने की बात कही जा रही है। टीम में घायल एक उम्रदराज अधिकारी का दम फूलने से तबियत बिगड़ने पर स्थानीय लोगों ने देखभाल की। पुलिस ने घायलों को रात में ही दूसरे वाहन से घटनास्थल से आनन-फानन में हटा दिया। जानकारी के अनुसार रात 1 बजे बांका व भागलपुर के जिला खनन पदाधिकारी अपने दल बल के साथ अवैध बालू लदे वाहन पर कार्रवाई के लिए अमरपुर के कुसुमखर वासुदेवपुर से शुरू कर सजौर के हाजीपुर होते हुए कमलपुर गांव के बाहर आइसक्रीम फैक्ट्री के पास अंधेरी नदी के पास पहुंचे। इस दौरान बालू माफियाओं ने कमलपुर गांव में टायर ताड़ की लकड़ी व पुआल जलाकर सड़क जाम कर टीम को पीछे मुड़ने के लिए रास्ते को बंद कर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान कई स्थानीय ग्रामीणों ने माफियाओं को आग लगाने से मना किया, जिससे बालू माफियाओं की भिड़ंत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस को देख माफिया भाग गए। गुस्साई पुलिस ने भोले भाले स्थानीय ग्रामीण विभास कुमार को डंडे से पिटाई कर दी। घंटों चले तांडव में खनन पदाधिकारी की टीम पर ईंट पत्थर से हमला कर जब्त वाहनों को छुड़ा लिया गया। वाहनों को तोड़ फोड़ कर सभी वाहनों को ट्रैक्टर से अंधेरी नदी के 30 फीट गहरी खाई में ट्रैक्टर से ढकेल दिया। बालू माफियाओं के हमले से घबराई घायल छापेमारी टीम जान बचाकर भाग गई। छापेमारी टीम के घटनास्थल से हटते ही माफिया जब्त वाहन लेकर फरार हो गए। छापेमारी टीम के साथ सजौर पुलिस भी थी, लेकिन घटना के वक्त पुलिस गश्ती दल आगे निकल चुकी थी। तड़के 4 बजे जेसीबी लेकर पहुंची सजौर थाना प्रभारी ने क्षतिग्रस्त वाहनों को नदी से निकालकर सजौर थाने पर रखा है। सजौर थाना प्रभारी महाश्वेता सिन्हा ने बताया कि छापेमारी टीम के 5 वाहन क्षतिग्रस्त हैं। रात में भागदौड़ हुआ था, अब भागदौड़ में जो है सो कैसे वो गाड़ी उल्टा पुलिस का वो भी पता ना है हमको, और मकान भी तोड़ दिया है। इस देकर को बहुत गाड़ी चलता है, गाड़ी चलता है, मतलब अभी क्या हुआ आपको? अभी मकान तोड़ दिया पुलिस है तो क्या हुआ? पुलिस का भी गाड़ी उल्टा दिया है। जगदीशपुर पुलिस के खिलाफ नारा लगाते हुए लोगों ने खदेड़ा, किसी तरह पुलिस अपनी जान बचाकर भागी। बाद में जगदीशपुर पुलिस ने 4 थाने से पुलिस बुलाकर स्थिति को नियंत्रण में किया।
लोदीपुर पुलिस, कजरेली थाना पुलिस, बाईपास थाना पुलिस के सहयोग से लोगों को शांत कराया गया। घटना की वजह अवैध बालू लेने जा रही तेज गति ट्रैक्टर बनी, जिसने रोड किनारे खेल रहे वरुण पासवान के 4 वर्षीय पुत्र सोहन राज को कुचल डाला। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते पहुंचते बच्चे की जान चली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत चांदपुर में ट्रैक्टर बालू लेने जा रहा था, उसी की चपेट में बच्चा आ गया और बुरी तरीके से घायल हो गया। परिजन उसे लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर तक गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बच्चे ने दम तोड़ दिया, जिससे आक्रोशित होकर परिजन एवं गाँव वालों में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। स्थानीय लोग घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार मान रहे थे कि अवैध बालू के लिए ट्रैक्टर तेज गति से आती जाती रहती है और पुलिस प्रशासन माफिया पर अंकुश लगाने में विफल रही है। लोगों की मांग थी कि पुलिस ट्रैक्टर पर प्रतिबंध लगावे और अवैध बालू की ढुलाई इस मार्ग से ना होने दिया जाए। पुलिस प्रशासन मृतक के घर पहुंचकर कानून के अनुसार सहायता देने का आश्वासन दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। स्थानीय लोगों का कहना था कि बिहार सरकार को इस क्षेत्र से होने वाले अवैध बालू की ढुलाई नजर नहीं आती है। माफिया और प्रशासन की मिलीभगत से ये लोग दिन रात बालू चोरी करते रहते हैं। प्रशासन आ ना जाए इसके लिए कभी कभी तेज गति से ट्रैक्टर गली मोहल्ले में चलाकर निकलते हैं। पहले भी ऐसी दुर्घटनाएं इस क्षेत्र में कई बार हो चुकी हैं। आज फिर एक बच्चा प्रशासन के निकम्मेपन एवं निष्क्रियता और माफिया से मिलीभगत के कारण मौत की बलि चढ़ गया। यहाँ कहाँ जाए छे इधर ट्रैक्टर ने बालू गिराए छे आबै छे ओ बाबू क्या चीज है तो बालू बालू लगा रही है चारा है पीछे सर बाबू का काम है तो गाड़ी चलवाने का है कैसे घटना कैसे हुआ घटना कैसे हुआ तो ट्रैक्टर तो दबाए में प्रशासन हाँ आता है क्या चीज के लिए आते हैं पैसा तो छीनने के लिए और कौन चीज डेली गश्ती में डेली गाड़ी जा रहा है इधर से पुलिस जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है टक्कर करने का कोई काम नहीं है। प्रशासन से क्यों उम्मीद करे छे प्रशासन प्रशासन से हम लोग का यही विरोध है कि इसी रोड से गाड़ी नहीं चलना चाहिए और विशेषकर बाबू और जितना बड़ा बड़ा बाबू है उसको यहाँ से ये होना चाहिए। घटना हुआ ट्रैक्टर उधर से आ रहा था कैसे घटना हुआ घटना बच्चा खेल रहा था और क्या चीज का गाड़ी आ रहा था ट्रैक्टर था ट्रैक्टर ट्रैक्टर कहाँ से आ रहा था ट्रैक्टर रुकौली जा रहा था क्या चीज के लिए खाली है गाड़ी गाड़ी का बच्चे का ब्लड भी निकला है उस जगह का बालू का खेल होता है रात दिन बराबर कर दिया है थाना प्रभारी जो है बस आंख मूंद कर चुपचाप बैठे हुए हैं कुछ घटना होता है 2-3 दिन बाद होता है फिर उसी तरह चालू हो जाता है। जगदीशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवार नियोजन का ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जगदीशपुर प्रखंड के वादे हसनपुर निवासी सदानंद मंडल की पत्नी टिंकू देवी का परिवार नियोजन का ऑपरेशन जगदीशपुर अस्पताल में गत 4 अक्टूबर को हुआ था। परिजनों ने बताया कि ऑपरेशन के बाद से ही टिंकू देवी के पेट में दर्द रहने लगा था। स्थिति जब नियंत्रण के बाहर होने लगी तो उन्हें मायागंज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने चिकित्सक दीनानाथ के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई है और कहा कि ऑपरेशन के पहले किसी तरह की जांच नहीं की गई। अब मौत हो जाने के बाद कह रहे हैं कि उनकी मौत किसी और बीमारी से हुई है। आशा कार्यकर्ता सुलेखा देवी ने भी कहा कि चिकित्सक ने ठीक से ऑपरेशन नहीं किया। वहीं अस्पताल प्रभारी डॉक्टर आशुतोष कुमार ने कहा कि चिकित्सक की ड्यूटी जिले में लगाई जाती है और उस दिन कुल 14 ऑपरेशन किए गए थे, ऐसा किसी के साथ कोई परेशानी नहीं आई है। जब आप ऑपरेशन किए तो उसका जब बिना जांच का ऑपरेशन होता है क्या? ऑपरेशन किए ऑपरेशन करने के समय भी तुम बोलता है कि हाँ इसको बीमारी है यहाँ डॉक्टर बैठते हैं मरने के बाद आप कहते हैं कि इसको कैंसर हो गया यहाँ डॉक्टर बैठते हैं हम लोग क्या बैठते हैं इधर उधर आया गया जो यही फैमिली प्लानिंग का थर्सडे को फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हुआ आपके PSC में उसमें एक पेशेंट डेड कर गया क्या वजह था पेशेंट का नाम टिंकू कुमारी थी उस दिन मैंने यहाँ 14 ये लाभार्थी का फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन हुआ 13 के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं इनके साथ इस पेशेंट मतलब 1 महीना का गोली लेकिन
चार महीने का था। तो पेशेंट के झूठ के कारण हमको लगता है ऑपरेशन से पहले जांच होती है क्या? सारा क्या क्या चीज़ की जांच होती है? हेमोग्लोबिन, एच आई वी, एस बी ए, ए जी। इसमें तो और सब पूरा भय का माहौल बन गया और यहाँ पे इलाज नहीं होता, इलाज के नाम पे झूठ है, कुछ नहीं होता। यहाँ से जो भी जाती होता है कुछ नहीं करता, करता बोलते चलिए हॉस्पिटल रेफर कर देता है, रेफर कर देता है। यहाँ पे नहीं होता इलाज और इलाज नहीं होने के कारण से भाई अभी कहीं मौत हो गया पूरा मेरा गांव पता नहीं जाएंगे, इसलिए कुछ नहीं होता, इलाज के नाम पे झूठ है। इनकी गाँव में आप गाँव में आपको भी डर लग रहा है? गाँव में भी डर लग रहा है, मौत के कारण हम लोग इतना डर डर के घर से पास आ गए कि सोचे देखे उस जगह में, और जितना बोलते हैं हम लोग अब शांत होने के बाद क्या करेंगे, हम लोग के ऊपर कहना मुश्किल है। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के शाहबाज नगर में लगातार हो रही साइकिल चोरी की वारदात से आक्रोशित लोगों ने एक साइकिल चोर को रंगे हाथ साइकिल चोरी करते पकड़ा और कानून हाथ में लेते हुए चोर को पोल में बांधकर जमकर पिटाई कर दी। चोर की बुरी तरह पिटाई होता देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना मुजाहिदपुर थाना पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पोल से बंधे चोर को खोलकर थाना ले आई। पुलिस चोर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एक तरफ मतगणना को लेकर भागलपुर पुलिस प्रशासन चुस्त और मुस्तैद दिखी, वहीं इस दौरान एक युवक नीतीश कुमार के नशा मुक्त बिहार शराब मुक्त बिहार के सपने को तार तार करते दिखे। बताते चले कि कृषि विश्वविद्यालय सबौल मतगणना केंद्र के बाहर सड़क पर एक युवक जो शराब पिए हुआ था, पहले वह मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर दिया और फिर पुलिस से उलझ गया। इतना ही नहीं, पुलिस की वर्दी तक वो पहुंच गया। वह युवक एक होमगार्ड की वर्दी भी फाड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने उस युवक को अपने हिरासत में ले लिया और शराब पिए युवक को लेकर कानूनी प्रक्रिया में जुट गई।